हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक रीसेंट डेवलपमेंट में ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया कि 10,000 से भी अधिक इंडियन ट्रूप्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास डिप्लॉय किया जाएगा। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि चाइना और भारत के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, खास करके गलवान वैली के बाद और भी रिलेशन खराब हो गए। उसके पहले जब से शी जिनपिंग 2013 में या 13 से जब से ये चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से इनका ओवर एग्रेसिव जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि वो बैकफायर कर रहा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में आज बात करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि 10,000 जो इंडियन ट्रूप्स डिप्लॉय होने वाले हैं इसके बारे में हमारे पास और क्या जानकारी है, यानी कि पब्लिक डोमेन में और क्या जानकारी है। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो मेरा एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उनके हिसाब से अगर बात किया जाए तो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन साथ में एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि गलवान वैली यानी कि 15 जून 2020 के बाद भारत ने भी बढ़ चढ़ के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को किया है। जो सबसे बड़ी बात हमें समझना चाहिए वो ये है कि कोई भी देश अपने डिफेंस रिलेटेड मैटर को पब्लिक डोमेन में या मीडिया में ज्यादा शेयर करने से वो बचता है। सो जब से गलवान वैली हुआ, इनफैक्ट उसके पहले से भी जो चाइना का बिहेवियर था वो काफी एग्रेसिव था, लेकिन शायद 2020 का जो साल था यानी कि गलवान वैली जिस साल हुआ था वो साल हमारे लिए एक आई ओपनर था, जहां पे हमें ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के आसपास अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। वजह क्या है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि जो इंडियन फोर्सेस है, जो ट्रूप्स है, वो काफी स्ट्रांग है, वो काफी दिलेर है। लेकिन एक चीज जो हमें समझना है वो ये है कि अगर सप्लाई चेन मेंटेन नहीं रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि आप एकदम फ्रंट लाइन सोल्जर हो, तो आप फ्रंट लाइन सोल्जर हो, आप चाइना के साथ लड़ रहे हो, लेकिन आपको भी राशन चाहिए, आपको भी खाना चाहिए, आपको भी जो वॉर में और भी जो बेसिक नीड्स होते हैं वो आपको चाहिए। तो अगर वो सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं रहेगा तो किसी के लिए भी वॉर में सर्वाइव करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भी काफी जरूरी होता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या अपने देश का जो बॉर्डर है उसको सिक्योर किया जाए। अब चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत अपने बॉर्डर को ज्यादा सिक्योर करे, जो कि कोई भी एक समझ सकता है। जैसा कि जियोपॉलिटिक्स में हमें कोशिश करना है कि हम बहुत ही न्यूट्रल तरीके से चीजों को देखें, जिस तरीके से भारत ये चाहता है कि चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कम से कम करे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, वैसा ही चाइना भी चाहता है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम करे अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास। हालांकि इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इस जानकारी के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन पता करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वो ये था कि ना ही तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना ही तो इंडियन आर्मी इसके बारे में कमेंट करेंगे, और एग्जैक्टली हुआ भी कुछ वैसा ही। अभी कुछ दिनों पहले ही ये खबर आया था जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास यानी कि बहुत जो तिब्बत के जो गांव है उसके आसपास चाइना मॉडर्न विलेज को बना रहा। जब मैं मॉडर्न विलेज कह रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि उसका डुअल पर्पज होता है। कहने का मतलब है कि वहां पे एक सिविलियन भी रह सकता है और वहां पे इन केस ऑफ इमरजेंसी मिलिट्री भी रह सकते हैं, फोर्सेस भी रह सकते हैं, और उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो भी रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रोग्रेस कर रहा, चाइना भी बढ़ चढ़ के कर रहा। और टिल डेट 21 राउंड्स ऑफ कॉन्वर्सेशन या बातचीत हो चुके हैं डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल पे, लेकिन अब तक ऐसा दिख नहीं रहा कि भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो सुधर रहे हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट आता है कि भारत अपने 10,000 से अधिक ट्रूप्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास डिप्लॉय कर रहा, चाइना का भी जो एक एक्सपेक्टेड था वो कमेंट आता है, जहां पे चाइना ये कहता है कि जो भी विवाद है भारत और चाइना के बीच में, अगर भारत इस तरीके से मिलिट्री एक्शन लेगा तो इससे जो सिचुएशन है वो कंट्रोल नहीं होगा। कहने का मतलब है कि चाइना भी नहीं चाहता है कि भारत और चाइना के बीच में रिलेशंस अच्छे हों। अगर अच्छे होते तो अब तक 21 राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ होता। तो इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, जहां पे सामने वाला देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कर रहा है, लेकिन वहीं जब उसके राइवल कंट्री
यानी कि इस केस में अगर भारत की हम बात करें तो, लेकिन अगर वहीं भारत कर रहा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तो उससे चाइना को काफी तकलीफ हो रहा है। और इनफैक्ट जैसा कि हमें पता है कि डॉक्टर जयशंकर सर अपने ऑफिशियल विजिट पे जापान और साउथ कोरिया गए, जहां पे जापान और साउथ कोरिया के साथ किस तरीके से हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है उसको अच्छा किया जाए उसके बारे में बातचीत किए। दो देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशन तभी अच्छे होते हैं जब दोनों देशों के बीच में ट्रेड व्यापार बढ़ चढ़ के होता है तो, और साउथ कोरिया और जापान दोनों देशों का चाइना के साथ नहीं बनता है। और बहुत हद तक यानी कि बीते 4-5 सालों में यूएस भी काफी क्लोज आया है भारत के। तो इनफैक्ट जो चाइना का जो ओवर एग्रेसिव पॉलिसी है इससे एक एंटी चाइना सेंटीमेंट डेवलप हो रहा और स्लोली एंड ग्रेजुअली एक ग्रुप क्रिएट हो रहा जो कि चाइना के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।